नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों बढ़ती गर्मी के बीच बच्चों की छुट्टियां चल रही है। ऐसे में कई अभिभावक टूर एंड ट्रैवल का प्लान बनाते ही है ताकि बच्चों का वेकेशन बर्बाद ना हो और वो गर्मी से राहत लेते हुए नए जगह का अनुभव भी कर सके। ऐसे में अगर आप भी उन परिवारों में से हैं जो कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हमारा आज का ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आप भी अपने परिवार के साथ घूमने जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहली बार नेपाल के विशेष स्थानों की यात्रा के लिए रॉयल नेपाल टूर पैकेज जारी कर दिया है। हालांकि ये यात्रा 28 मई से शुरू होने वाली है और 4 जून को ये ट्रेन वापस से पटना पहुंच जाएगी। सबसे खास बात यह है कि IRCTC के इस नए पहल के तहत एयर कंडीशन लग्जरी बस से ये यात्रा होने वाली है। अब सवाल यह है कि इस बस का रूट कौन कौन सा होगा, तो हम आपको बता दें कि एयर कंडीशन लग्जरी बस से होने वाली इस यात्रा का शुभारंभ गया से होगा और जहानाबाद, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए ये बस नेपाल पहुंचेगी। संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने IRCTC के इस पहल की विस्तृत जानकारी साझा की है, जिसके तहत ही उन्होंने बताया कि IRCTC की वेबसाइट या फिर विस्कोमान क्षेत्रीय कार्यालय आकर बुकिंग करवाने की सुविधा आम लोगों को दी जाएगी। साथ ही इस यात्रा में नेपाल के आर्थिक जगहों के अलावा प्राकृतिक स्थानों का चयन भी किया गया है। नेपाल के पोखर यानी कि सारंगकोट पॉइंट, विद्यावासिनी मंदिर, डेबी फॉल्स, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, मनोकामना, चितवन समेत अन्य और स्थानों की सैर करवाई जाएगी। आपको बता दें कि नेपाल जाने के लिए यात्रियों के पास अभी फ्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी, कार या बाइक की सुविधा आप ले सकते हैं। हाल ही में मुजफ्फरपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही मनिकपुर साहिबगंज और अदलबारी मानिकपुर 4 लेन का निर्माण हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए मुजफ्फरपुर जिले में 35 गांव में जमीन के अधिग्रहण का काम भी हो रहा है। हालांकि अभी NHAI की तरफ से सिर्फ 9 गांव से जमीन अर्जित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 107 करोड़ रुपया जिला भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करवाया गया है। अभी पारू अंचल के 6 और साहिबगंज के 3 गांव में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस सड़क के निर्माण से पटना से नेपाल सीमा की दूरी घटकर 200 किलोमीटर हो जाएगी, जिसके बाद ही अब उम्मीद है कि जो लोग घूमने फिरने के लिहाज से नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो आपको किसी और बस या ट्रेन पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप आसानी से IRCTC की तरफ से चलाई जा रही बसों में परिचालन कर सकते हैं। इसके साथ ही IRCTC की तरफ से दी जा रही इस बस सुविधा से पर्यटकों को फायदा होगा या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।